मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम दोनों की जिंदगी कैसे कटेगी? कट जाएगी। बस फर्क इतना है कि तुम पहले चले जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे पीछे आ जाना है। कैसे रहेगी मेरे बिना? और उस नालायक को कैसे संभालेगी? आज तक तुम्हारी कोई बात डाली है जो अब डालूंगी? या वो अपना पसंदीदा सीरियल नहीं देखेगी? कल दोपहर को दिखाते हैं, तब देख लूंगी। एक बात बताऊं, मैंने अपनी जवानी में हरी थिएटर में बहुत फिल्में देखी। सच कह रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने लगा तो अल्लाह से बहुत डरता था, उसके बाद कभी नहीं गया। फिर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इतना जरूर जानती हूँ खुदा इतना जालिम नहीं हो सकता। वो तो हमारे दिलों के राज जानता है, तो फिर ये गाना और फिल्म देखने से कैसे नाराज हो सकता है? सुनो जी, कल आ रही थिएटर चलते हैं फिल्म देखने। नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, वहां जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? कह देना बीवी ने जिद की थी, तुम्हारे सारे गुनाह मैं अपने सर लेने को तैयार हूँ। रब्बी, कोई देख लेगा तो? मिल गई? हाँ, 200 रुपए की दो टिकट। 200 रुपए? मैंने पिछले पहले बार फिल्म देखी थी तो 2 आने की 2 टिकट थी। जमाना और था जी, आप अंदर चलो, फिल्म ना छूट जाए। नहीं उपाय बन गई है, जेब में 200 रुपए थे वही नहीं ना। Thank you.
ये खुशबू मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब क्या बताएं कैसा है आलम के चांद पहलू में सिमटा हुआ है आँखों के झुकने को सूखे गिरने को क्या नाम दे। ये सब कुछ इतना बिखर के क्यों रखते हो? तुम बता रहे थे कि तुम्हारा कोई ऑडिशन है। हाँ, एक बड़े चैनल का बड़ा सिंगिंग कंपटीशन है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, और मैं ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। 3 दिन बाद जम्मू में पहली बार उनकी टीम ऑडिशंस के लिए आ रही है। और जनाब की तैयारी ऐसे चल रही है, आज क्या मारी जा रही है? अरे तैयारी क्या करनी है, स्पॉन्टेनिटी भी कोई चीज़ होती है। हीरा सामने हो तो कदरदान खुद पहचान ही जाते हैं। देख, बड़े पर्दे पे कितना बड़ा बड़ा दिखता है। गला बड़ा खुश हो रहा है जी, बड़ी प्यास लग रही है। किया क्या? प्यास लग रही? ठहर, में कुछ करना। जे भी पैसे तो है नहीं। तू बैठना, मैं कुछ करना। सुनो जी, किधर चले? सुनो, जी वो दो ठंडा दे दो जी। ठंडा? हाँ। छोटू, दो ठंडा निकाल। ₹60 जी, वो पैसे मैं बीवी के पास छोड़ आया हूँ, बाद में दे जाऊँगा। अरे अंकल, आपको कहाँ ढूंढता फिरूँगा जी? वो अच्छा, मैं चप्पल छोड़ जाता हूँ, बाद में ले लूँगा। पर हाँ, चप्पल छोड़ देता हूँ, यहाँ ले लो। ठीक है अंकल, ले जाइए, जब ये ख़त्म होगा तो मैं ले जाऊँगा। ठीक है। जीने का सलीका आया तो कम वक्त जिंदगी खत्म हो गई। बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। अरे जल्दी दो ना, मेरे को लेट हो रहा है कहीं जाने के लिए। अरे बेटा, अच्छा खासा ख्वाब देख रहा था, तुमने मेरे ख्वाब तोड़ दिया। अच्छा, वाह, अब आप भी ख्वाब देखने लग गए? कब से? मम्मी तो बोलती है शादी के बाद आदमी ख्वाब देखना बंद कर देता है। अच्छा एक बात बताओ डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने आपको सिर्फ गुस्सा कम करने के लिए कहा है, आप होके खाट ही पकड़ लिए हो। क्यों, क्या खराबी है मुझमें? अरे आपने कभी जिंदगी में किसी से सीधे मुंह बात की है? क्या करूं, गले लगा लूं? आजा, लग जा गले। नहीं, रहने दो। अरे अल्लाह को खुश करने के लिए इतना इत्र लगाते हैं ये?
अगर मैंने गलती से गले लगा लिया तो एक हफ्ते तक मुझसे खुशबू नहीं जाएगी। हाँ जा रहा हूँ मैं, शाम को मिलूंगा, बाय। अच्छी है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो, पर गायकी में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तुम गाते अच्छा हो पर तुम्हें सीखने की काफी जरूरत है, इस कंपटीशन में मेरी तरफ से ना है। हाँ फिर बोलो क्या हुआ। तुम्हारे पापा नहीं रहे। वार्ड नंबर टू किधर है? वार्ड नंबर टू। इतने एक आदमी की जिंदगी को कितना बदल सकता है सर, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर हम ये गुत्थी सुलझा पाए तो ठीक, नहीं तो कल सुबह के अखबार कुछ खौफनाक खबरें देख सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम इसका स्टेटमेंट लिख के आओ, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। ठीक है मैं देख रहा हूँ सर। ओके सर, वो उसके स्टेटमेंट की फाइल है। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। इतना दुख तो मुझे राजेश खन्ना साहब की मौत का भी हुआ जितना एक शफी का हुआ। बड़ा तीबा आदमी था, पांच वक्त की नमाज पढ़ता था, पांच वक्त की। दीदी बड़े सारे लोग आ रहे हैं, बकर खाने मंगवा दो। राजमा तो चावल की दे। हाँ जी चल। ये सब कैसे हो गया थे? आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि मर्द को औरत और औरत को मर्द बना देते हैं। मैंने खुद डिस्कवरी चैनल पर देखा है जी, अगर शफिया जी को अच्छे अस्पताल ले जाते, चंडीगढ़ ले जाते, उनका अच्छे से इलाज करवाते तो शायद वो बच जाते। आज हम सब के बीच में होते वो, हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता।
पे बैठो। घर पे बैठ के क्या करना है? लोगों की बेकार की बातें सुननी है। अपने घर संभाले नहीं जाते, दूसरों के घर में बोलने को सब कुछ चाहिए। बस कुछ हुआ नहीं हुआ, आ गए सब बैठने और बातें करने। चैन से जीने नहीं दे सकते हमें? निकाल दिया गुस्सा। मम्मी ना बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, ये दुनियादारी है, निभानी पड़ती है। हाँ। आप निभाओ मम्मी। देख रब्बी, तेरे डैडी तो चल बसे, अब इस घर की सारी जिम्मेवारियां तूने निभानी है। हाँ? सुन, मैं तो कहती हूँ ये गाना बजाना छोड़, आगे सोच कि तुमने जिंदगी में क्या करना है। मम्मी, गाना बजाना भी एक काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, टैलेंट चाहिए इसके लिए। ठीक है ठीक है, जो मन में आए कर, मैं भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोच रही थी। इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं, मैं भी दूसरी शादी कर देती हूँ। हाँ तो कर लो, इसमें बुराई क्या है, इस्लाम भी इसकी इजाजत देते हैं। शर्म खा, ओए शर्म खा, तेरे को शर्म ना आएगी कि तेरी अम्मी दूसरी शादी कर रही है? हर मियां बीवी के झगड़े होते हैं, तेरे डैडी मेरे ऊपर चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मुझे साल लगा बंदा, मुझे दोबारा नहीं मिलने का। बस मम्मी ना, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ, आपने देखा, ये अपनी जैनब मामी है ना, हाँ, कितना दिखावा कर रही थी आज, कितना अपनापन दिखा रही थी, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो, पता है ना आपको? हाँ, वैसे मेरे भाई जुड़े की जिंदगी उसने जन्नू बना रखी है, उस डैन ने। असल में ये सब कसूर अम्मी का है, वो ही चुन के लेके आई थी चुड़ैल को। जोरे पे बड़ा तरस आता है मेरे को। कुछ हल्का महसूस हो रहा है? बेटर फील हो रहा है ना? हो गई, जब तक किसी दूसरी औरत की बुराई नहीं कर लो, अंदर से हल्का कैसे महसूस होगा? है ना? लग रही शारदिया की शादी शाह साहब के बेटे के साथ हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी उसकी, कोठी है, मरुती है, सब तो है उसके पास। शादिया के अलावा आप भी, अभी तेरी एक बेटी है, कभी कभी उसके बारे में भी सोचा करो। वो तो ठीक है, अपनी बहन के उसने कमे बेटे को दे तो मैंने कब मना किया? सॉरी, जिंदगी इस खटारा स्कूटर पर बिता दी मैंने, मेरी बेटी को तो मरुती मिलेगी। मारुती से शादी करा देना उसकी, लड़के टकराने की क्या जरूरत है? कुछ ना, आपसे तो बात ही करना बेकार है, हर चीज में चिड़चिड़ करते रहते हो आप। कहाँ पे ले लेते हैं? ओ पापली, नमस्कार, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है जी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह की मर्जी है, जो दे वो भी ठीक, जो ना दे जी सद के। भाभी अब एक काम करो, आप ना कल कैसे भी करके दफ्तर आ जाओ, बड़े साहब से मिलो, छपे की पेंशन ना जल्दी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, कल आ ही जाओ। ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगी जी कल। सुनो, तुमने नया कुछ लिखा? अफिया, मैं अगर कुछ टाइम के लिए मुंबई चला गया तो तुम मम्मी का ख्याल रखोगी ना? तुम मुंबई जा रहे हो? आफिया, मुंबई बड़ा शहर है, मैं वहीं कुछ बन पाऊंगा, यहाँ जम्मू में कुछ नहीं होना है। मुझे आंटी को छोड़ के चले जाओगे? अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ पागल, बस एक दो महीने के लिए।
एक दो महीने थोड़े होते हैं। देर हो रही है। बड़ा जहीन बच्चा है, बड़ा सुरीला गला था उसका। हालांकि शफीए को मैंने कहा था कि उस बच्चे को अपनी उड़ान उड़ने दे जब वो नौकरी के लिए उसे मेरे पास लाया था, पर अब मैं समझ सकता हूं कि हालात बदल गए। अगर आप लोगों को लगे SRO 43 के तहत उसकी नौकरी का केस मैं बना सकता हूं, उसे अपने बाप की जगह नौकरी मिल जाएगी। जी जनाब, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, SRO 43 के तहत अगर नौकरी में किसी की मौत हो जाए तो उसके एक बच्चे या बीवी को नौकरी मिल सकती है। जनाब, अगर बच्चे को नौकरी मिल सकती है तो इससे तो अच्छा होगा, उसको छोड़ ही नहीं सकता। आप फिक्र न करें, बस बच्चे के कागज बना के मुझे दे दे, मैं केस बनाकर जल्दी जल्दी करवा दूंगा। जी जनाब। सुनो जी। क्या? मैं क्या कह रही, कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो ना। हाँ बोल। मैं ना सोच रही थी कि अपनी शाजिया का निकाह हम रब्बी से क्यों नहीं करा दे, बेटी घर के भी पास रहेगी। क्यों, कैसा लगा आपको? और वो जो तू शाजी के यहाँ मिल के आई थी उसका क्या? उनके पास तो कोठी भी है, मारुति भी है। अरे लानत मारो शाजी पर, क्या करता है उनका बेटा, दुकान ही तो चलाता है। और हमारा रब्बी, हाय उसकी तो सरकारी नौकरी लगने वाली। एक काम करो तुम ना, कल सुबह जाकर दीदी से पूछ लो कि कैसे। मेरी बहन आफिया का रिश्ता लेकर के आई थी, और वैसे भी आफिया बड़ी है, और उसके होते हुए मैं शाजिया का निकाह कैसे कर दूं? एक बात कान खोल के सुन, निकाह होगा तो मेरी शाजिया का, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी। करते रहना जो करना है तुमको, कभी सुनते हो मेरी बात? कमाल करते हो मम्मी, आप भी भीड़ इकट्ठा कर रखी है खामखा। धीरे बोल, बाहर लोग आएंगे। क्या धीरे बोल, आपने इनको बुलाया ही क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे को ये करना नहीं है तो आपने भीड़ इकट्ठा। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको जी, वाह जी वाह। मम्मी क्या है ये सब? बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ओए तू भी आ गया नोटों का हाल लेके? नौकरी लगी अब आपकी आंटी, एक अच्छी सी लड़की देखे की शादी करवा दो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। पठानकोट से भी आए, ये चाय पानी। आपको बता दो मम्मी, मुझे नौकरी शौकरी नहीं करनी, नहीं करना मुझे चपरासी चपरासी, बस आप समझ लो ये बात। नाराज हो गए कमाल है, छोड़ो मुझे आपसे बात। नाराज हो गए मैं आती हूँ। ओए रब्बी, मम्मी प्लीज, मैंने आपके साथ बहस नहीं करनी इस वक्त। बहस नहीं है, मैं तेरे को समझा रही हूँ। मम्मी प्लीज नहीं, बात तो सुन। नाराज हो गए चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। आओ जी आओ बहन, इधर ही बैठ जाओ। आपको बैठो जी, बड़ी रौनक लगी आज। आज मैं और जनाब तुझसे एक खास बात करते हैं। हम चाहते हैं बहन कि तू अपने रब्बी का निकाह हमारी शाजिया से कर। वाह जी वाह भैजन, अभी कुछ दिन पहले आपने कहा कि मैं आपकी बेटियों से निकाह तो क्या उसके बारे में सोचूं भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज क्या हो गया? ताने ना, देखो ना कितना कुछ किया इन्होंने आपके लिए। आप सब रहने 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 अड़िए, इन्होंने किया तो मैंने भी कुछ कम नहीं किया। शाजिया के साथ अपने पुत्र का निकाह करके मैंने उसे कुएं में नहीं धकेलना, सकी माँ हूँ उसकी मैं। कराची वाली बहन के खत आए हैं कंप्यूटर पे, चार बेटियों में से किसी भी एक बेटी से निकाह करने को तैयार है वो। बात चलो क्या, लड़की जूतियाँ उठाकर ही निकल, चलो जा ना ना चलो। अरे अरे चाय शाह तो पीते जाओ।
निकाह करेंगे। बेस्तिया कराने ले गए थे हैं? बड़ा कह रहे थे मेरी बहन मेरी बहन। बहन ने इतने जूते मारे कि शक्ल जूते जैसी हो गई है। अरे अपना मुंह बंद रख लालची औरत, आज तेरी बहन अपनी बहन क्या दे, इतना जलील हो क्या है ना बड़ा मुझे। ओए रबी बाहर आ, रबी। हाँ क्या हुआ शाजिया? क्या हुआ बड़ा गुरूर आ गया तेरे को साले ने अपने ऊपर? हाँ हमेशा गली में मेरा रास्ता रोका करता था। सलाम फूफी। और उस दिन तो रात को दीवार के सहारे खिड़की चढ़कर मेरे कमरे में आ गया था। पूरी रात गुजारी तूने मेरे साथ, हमेशा मेरा पीछा क्या करता था। एक जरा सी सरकारी नौकरी क्या मिलने लगी तेरे तो तेवर ही बदल गए। क्या बकवास कर रही है, मैंने कब तेरा पीछा किया है? तूने इसके साथ भी? अरे नहीं मम्मी, मैं उस रात आफिया से मिलने गया था और मिल ये गई, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। अच्छा मिलने दीदी से गया था और रात मेरे साथ गुजारी? हाँ अरे जा ना, बड़ा सीधा बंदा अपने आप को, तेरे जैसे लूज कैंटे साथ ना मेरी जुत्ती भी शादी ना करे। अरे जा ना, ये रिलेशनशिप मैं खुद ही तोड़ती हूँ, जब दफा यहाँ से। हाँ तो तोड़ना, तेरे साथ रिलेशन था कौन सा, चल तू दफा हो यहाँ से, जा यहाँ से। क्या तूने किस किसके साथ रात काटी है? अरे ओह मम्मी आप भी ना, मुझे बात नहीं करनी है। बात कैसे नहीं करेगा, क्या कह रही थी शाजिया? अब बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? आप भी ना मम्मी खामखा की बातें कर रही हैं। और वैसे भी मैं ये सब बकवास नामे से बहुत जल्दी बहुत दूर जाने वाला हूँ। अच्छा कहाँ जाने वाले हैं? मैं ना मुंबई जाने वाला हूँ मम्मी, मुंबई। मम्मी सुनो एक मिनट प्लीज सुनो, मैं ना मम्मी ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं नहीं डैडी की तरह जिंदगी भर दफ्तरों के ताले खोल सकता। मुझे म्यूजिक के सिवा और कोई काम नहीं आता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगा स्ट्रगल करने के लिए। मुंबई में ही मेरी जिंदगी है मम्मी, प्लीज। मुंबई 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 मुंबई, मुझे अकेले को यहां छोड़कर। देखो अल्लाह की मेहर से बड़ी मुश्किल से तुझे ये सरकारी नौकरी मिली है। तू इसे ठोकर मार कर मत जा बच्चे, प्लीज मम्मी मत जा। नौकरी नौकरी नौकरी, हद करते हो आप लोग। पहले डैडी नहीं समझते थे, अब आप नहीं समझते हो। ये नौकरी नहीं है, एक सरकारी जूता है, जूता जिसे आप लोग जबरदस्ती मेरे गले में डाल रहे हो। मेरा बाप ठीक बोलता था, ये बाजा ही इस मुसीबत की जड़ है। बजा अपना बैंड और बाजा, मुंबई जाएगा। रवि याद है जब एफ टी वी नया नया आया था, कैसे हम वो बिना कपड़े वाले लड़कियों को देखने के लिए छुप छुप के एफ टी वी देखते थे। यार एफ टी वी देखते देखते कब फैशन डिजाइनर बनने का सपना अंदर जाग गया पता ही नहीं चला। सोचा किसी अच्छी सी जगह पे फैशन डिजाइनर का कोर्स करूँगा, तुझे तो पता ही अभी 12वीं भी पास नहीं हुई थी, बू का इंतकाल हो, फिर सारे सपने टूट के कांच की तरह आंखों में चुभने लगे। फैशन डिजाइनर तो बन नहीं सका, टेलर बन गया। लेकिन तू मेरी तरह मत कर, एक बार मुंबई जा, कोशिश तो करिए रहा। मगर कैसे यार, मुंबई जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? रबी मामा याद है वो जो दुकान पे आया था, वो जो तहरीक चलाते हैं? हाँ वही, उसने चंदे के कुछ पैसे मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। सुन ना एक काम करते हैं, उससे 2 महीने के लिए उधार ले लेते हैं। और मेरे को पूरा यकीन है यार 2 महीने में तेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वापस कर देंगे यार। मामा देंगे कुछ पैसे? यार ट्राई तो करते हैं यार, ट्राई मारने में क्या जाता है, है? चल ठीक है तू बोलता है तो ट्राई करते हैं। चल ठीक है। रबी रबी ओ रबी रबी चला गया है रब्बा, रबी ओ रबी ओए मलिक रबी। फिकर नहीं कर यार, मामा के 2-2.5 लाख रुपए तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, हो जाएगा मेरे ख्याल से, दे ही रहे हैं। यार राजू ये कैसी होटल है यार, ये मामा पैसे दे पाएंगे?
ये तेरे को पता नहीं, बहुत पैसे हैं मामा के पास, मैंने देखे हैं। क्या हुआ? कल क्या काम जलील किया था जो तू आ गया सवेरे सवेरे? अब क्या हो गया है? नहीं नहीं, रबी घर छोड़ के चला गया, मुंबई चला गया वो। मुंबई भाग गया? अरे वो उनमें क्या करूं, कितने ढूंढूं मैं अपने पुत्र को। फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर, एक ना कर। भाई साहब, ना 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 ना, तू फिक्र ना कर। वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या हो गया मामा? रात को गोश्त खा लिया था, पूरी रात सो नहीं पाया, इतनी टट्टियां लगी हैं कि पूछो मत। मामा वो मैंने फोन पे बताया था ना, रबी को पैसे चाहिए। यही रबी? हाँ ठीक है, तेरे पास जो पैसे पड़े हैं वो तू दे दे इसे। वो भी मैं जल्दी वापस कर दूंगा। जब हूँ तब कर देना, बहुत ही जरूरी काम से मैंने पूछ जाना था। इस हालत में लगता है गाड़ी में बैठ नहीं पाऊंगा। मामा बहुत जरूरी काम हो तो आप कहें हम दोनों चले जाएं। तुम लोग जाओगे? हाँ मामा क्यों नहीं, बताओ तो सही काम क्या। वहां चंदे के कुछ पैसे पड़े, वो हमारी तहरीक चलाने वाले लोगों तक पहुंचाने। मैं तुम्हें वहां का फोन नंबर देता हूँ। तुझे पक्का मालूम है रास्ता? हाँ हाँ पक्का। चल ये दो बैग हैं और हर बैग अपनी फिक्स जगह है जहाँ तुम्हें पहुँचाने हैं। ये लाल बैग रेलवे स्टेशन और ये हरा बैग पुरानी मंडी। और ध्यान रहे गलती से भी कोई गलती ना हो, अगर गलती हो गई तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जो लोग कराने वाले राजू, ये आदमी ऐसे क्यों बोल रहा था जैसे इसमें कुछ बॉम्ब या कुछ हो? ये जो पैसे होते हैं ना बम से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मामा को मेरे पे भरोसा है इसलिए उसने हमें यहाँ पे भेजा, ऐसे थोड़ी हर किसी को भेज देते हैं। तू भी ऐसे डरता रहता है, बैठ आराम से, आराम कर। मैं ये बैग रफीक को देने मुबारक मंडी जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तू सीधा बड़े अड्डे पे जा, मामा का आदमी मिलेगा उसे ये बैग दे देना, ठीक है? लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे किसको? यार वो तुझे पहचानता है, उसकी फिक्र मत कर, ठीक है? चल जल्दी आना, ठीक है? ये मामा के होटल के बाहर कोई मारा गया? या आना कहाँ है? वालेकुम सलाम। मामा मारा गया है और पुलिस को पता चल चुका है कि उस बैग में बॉम्ब था जो तुम लोग लेके आए। बॉम्ब? ये क्या बोल रहे हो यार,
तुम भी अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस होटल में इंक्वायरी करेगी तो हम सब पकड़े जाएंगे। बॉम्ब था उसमें तो फिर तो रबी को रोकना चाहिए ना हमें, उसे रोकना। पागल हो गए तुम? जिस मामा ने अपनी मकसद की खातिर अपनी जान दे दी उसे पूरा करने से रोकोगे तुम? कुछ दिनों के लिए यहां छुप जाओ तुम। तो पागल हो गया तुम? मैं रोकूंगा तुम्हारा। लेके बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, उसे पता नहीं है लेकिन उस बैग में बॉम्ब है। अगर वो बॉम्ब फट गया ना तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से। यार प्लीज उसे रोको किसी तरह से, उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा। प्लीज उसे रोको, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचने की कोशिश करता हूँ। रबी मुसीबत में है। मुझे ये कहानी दोबारा सुनाओ, पूरी कहानी।
एक एक लफ्ज। मोहम्मद रफी, वालिद मोहम्मद शफी, मोहल्ला जानीपुर। मैं गिटार बजाता हूँ, म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। ये बात पर डैडी को नहीं पसंद है। और उस दिन मैं वो बैग दे के निकला और मुझे हाफिया ने बताया उस बैग में बॉम्ब है। बैग तो ले ली पर वो आदमी भाग गया। और आप लोगों ने मुझे बैग के साथ पकड़ लिया बेकसूर से। और एक बार कमान सर, मैं मोहम्मद रफी। उस दिन मैं उस आदमी को बैग देके निकला, मुझे आफिया मिली, उसने बताया उस बैग में बॉम्ब है। मैं वापस भागा, बैग तो ले ली पर वो आदमी भाग गया। और आप लोगों ने मुझे बैग के साथ पकड़ लिया। एक और बार सर, मैं मोहम्मद रफी। उस दिन मैं उस आदमी को बैग देके निकला और आप लोगों ने मुझे बैग के साथ पकड़ लिया। बेकसूर हूँ सर। फिर से एक बार स्टेटमेंट नोट क्लोज कर। नजरे नजरे अस
से ओ पलानी किया जिंदे मेरी ए ओ पलानी किया ओ पलानी किया ओ पलानी किया। सुर्ग आचे सो आई भी रुसी दिए नजरे नजरे असे ओ पलानी किया।